हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं रियलिटी ऑफ पान मसाला इंडस्ट्री। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लोगों ने गुटखा थूक थूक के इतने पुराने हावड़ा ब्रिज जैसे मजबूत पुल को भी कमजोर कर दिया। ज्यादा थूकने की वजह से उसका एक हिस्सा जो है इंक्लूडिंग सोनू सूद एग्री हो गए थे पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट करने के लिए। आईटीसी ने कांग्रेस को 20 करोड़ रुपए दिए, बीजेपी को 23 करोड़ रुपए दिए, लेकिन हमारे जो हीरो थे वो बहुत ही आसानी से लोगों की जान दांव पे लगाने को रेडी हो गए। शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तीन बड़े सेलिब्रिटीज ने कि म्यूजिक सिटी के अंदर स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि सचिन ने उस वर्ल्ड कप में बिना स्पॉन्सर किए हुए बैट से खेला। रॉयल चैलेंजर नाम से पूरी टीम आईपीएल की बना दी गई। इसको लेकर भी कोर्ट के अंदर कई लोग चले गए थे ताकि बच्चे को समझ में आए कि मुंह में रजनीगंधा डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। लेकिन सबको कैंसर पता है कि एक इंसान के लिए टोबैको कितनी खराब चीज है। हर साल 1.35 मिलियन लोग सिर्फ इस टोबैको को यूज करने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब कि हर दिन 3699 और हर घंटे 154। अभी इंडिया में खत्म होता है 60 लोग इंडिया के अंदर टोबैको यूज करने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए टोबैको का जो नुकसान है वो हर किसी को पता है, लेकिन उसके बाद भी 30% पॉपुलेशन यानी कि 194 मिलियन लोग टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। इनफैक्ट स्मोकलेस टोबैको जो है वो इंडिया के अंदर बैंड है, लेकिन उसके बाद भी 21.4% अडल्ट जो है वो स्मोकलेस टोबैको यूज कर रहे हैं और बैंड है। लोगों की तो जान चली गई इसी की वजह से। अब इसमें आप ये कहोगे कि एक चीज जो बैंड है वो लोगों तक पहुंच कैसे जा रही है और इस लेवल तक पहुंच जा रही है कि लाखों में लोगों की जान चली जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक मार्केटिंग की वजह से पहुंच रहा है, छोटी छोटी ट्रिक्स खेल के एक प्लान तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक लोगों की जान दांव पे लगा के पूरा खेल हो रहा है, जिसमें आपके फेवरेट एक्टर से लेके पॉलिटिशियंस तक सब इन्वॉल्व है। अब देखिए जो टोबैको सिगरेट वगैरह, ऐसा नहीं कि कोई पेट से सीख के आता है, यहीं आसपास से लोग सीखते हैं। अगर कोई बच्चा है उसको पता ही ना लगे उसके फेवरेट एक्टर पर्सन से कि ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं तो उसको लत नहीं लगी। अब आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह की आप बात कर रहे हैं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो देखिए अभी सारी चीज मैं आपको समझा। देखिए पहले क्या होता था कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ये टीवी पे खुलेआम टोबैको अल्कोहल इन सबके एडवर्टाइजमेंट करते थे, लेकिन ईयर 1986 और 1990 में WHO ने रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये था कि सारी कंट्रीज जो हैं उनको टोबैको के अगेंस्ट में एक्शन लेना होगा, स्टेप करने होंगे। तो इसमें इंडिया ने भी साइन किया था। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया के अंदर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट था ये 1995, इसको लेके आ गया वो, जिसमें इंडियन केबल नेटवर्क्स जो पहले धड़ल्ले से अल्कोहल और सिगरेट वगैरह का ऐड कर लेते थे वो बैंड हो गया। लेकिन उसके बाद भी छोटे मोटे तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह जो होते थे उसके थ्रू ऐड चल रहे थे। अब जो सिगरेट पी रहे थे उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो तादाद उनकी बड़ी नहीं थी, लेकिन 1.3 मिलियन लोग, उस टाइम की स्टडी पे ये पता चला कि 1.3 मिलियन लोग ऐसे थे जो सिगरेट पीने वालों के साथ खड़े थे, पैसे स्मोकर थे, उनकी जान जा रही थी हर साल। और 24 मिलियन लोग ऐसे थे जो डिसेबल हो गए थे, ये पी नहीं रहे थे बस सिगरेट पीने वालों के साथ में थे, पैसे स्मोकर थे, और ये बहुत ही बड़ा नंबर था। तो इससे ये समझ में आ गया था इंडियन गवर्नमेंट को कि ऑल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और फिर 2003 में आया सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट कोप्टा नाम से, और इसके आने के बाद जो रूल्स थे उसमें मेजर चेंजेस आए, जैसे पब्लिक प्लेस पे स्मोक करना बैन कर दिया गया क्योंकि पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी डेथ हो रही थी, और बोला गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 100 यार्ड के एरिया के पास नहीं बेच सकते कोई भी टोबैको का प्रोडक्ट। 18 साल से कम की एज के जो लोग थे उनको अलाउ नहीं किया गया ये सारा कुछ यूज करने के लिए। इस एक्ट के आने के बाद सबसे बड़ा झटका ये लगा कि ये जो छोटे मोटे एड चल रहे थे अलग अलग तरीके से उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बेसिकली इस एक्ट के आने के बाद एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी के पास दो ही ऑप्शन बचे थे, एक तो वो टोबैको की जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ऐड कर सकती थी, और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल, मतलब कि जहां से कस्टमर खरीद के पेमेंट कर रहा है उस जगह पे ऐड कर सकती थी। बस ये दो जगह ही ऐड कर सकती थी, बाकी सारे रास्ते जो थे वो बंद हो गए थे। तो ये जो एक्ट आया था इसमें कोई भी प्रोडक्ट बैन नहीं हुआ था, बस एडवर्टीजमेंट को लेके और अलग अलग रूल्स बनाए गए थे, लेकिन प्रोडक्ट जो था वो कोई भी बैन नहीं हुआ। अब इसके बाद ईयर आता है 2011 और इसमें एक प्रोडक्ट बैन हुआ, और वो कैसे बैन हुआ उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको पान मसाला का जो स्ट्रक्चर है वो समझाना पड़ेगा। तो देखिए पान जो है वो इंडिया के कल्चर का हिस्सा बहुत पहले से रहा है। पान के अंदर नॉर्मल सुपारी, गुलकंद, इलायची वगैरह डाल के लोग बहुत पहले से खाते आए हैं। अब इसके बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो इस पान को क्या किया, डिहाइड्रेट करके यानी कि सुखा लिया गया और एक पैकेट में बंद करके बेचा जाने लगा, जिसको बोला गया पान मसाला। और फिर जब पान मसाला अच्छी तरीके से बिकने लगा तो इसकी आदत लगाने के लिए इसके अंदर प्रोसेस टोबैको यूज किया गया और उस चीज को बोला गया गुटखा।
कहीं कहीं पे पूरी भी बोलते हैं, कहीं पे पुड़की भी बोलते हैं। और ये जो गुटके का पैकेट था, ये ज्यादा टाइम तक चले, खराब ना हो, इसके अंदर बहुत अलग अलग आदत लगे, उसके लिए बहुत सारी चीजें डाली गई इसमें, ऐसे मिले। और सिगरेट के कंपैरेटिवली ये ज्यादा डेंजरस इसलिए हो रहा था क्योंकि गुटका जो था वो डायरेक्ट मुंह में जा रहा था, वो डायरेक्ट आपके पेट में जा रहे थे। तो ओरल कैंसर जो था वो इंडिया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ से आगे बढ़ने लगा। मतलब जितने भी इंडिया के अंदर ओरल कैंसर हो रहे थे उसमें से 90% गुटके की वजह से हो रहे थे। तो इसको देख के गवर्नमेंट ने द फेडरल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आई। तो इस एक्ट के हिसाब से जो टोबैको है अब वो किसी भी फूड आइटम में नहीं यूज किया जाएगा। तो एक तरह से गुटका बैंड हो गया, क्योंकि गुटका बनता था तंबाकू को पान मसाला में मिला के, लेकिन पान मसाला जो था वो FSSAI में एज अ फूड रजिस्टर्ड था। पान मसाला ठीक है खाना, फूड मिला था। तो इस एक्ट के आने के बाद से पान मसाला तो बिक सकता था, लेकिन टोबैको मिला के जो गुटका बेचा जाता था वो बैंड हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि 2011 में इंडिया के अंदर 24 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में गुटका बैंड हो गया था। शरद पवार जो फॉर्मर सीएम थे महाराष्ट्र के, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसको बैन कराने में, क्योंकि उनको खुद गुटका खाने की वजह से कैंसर हो गया था और उनके मुंह की सर्जरी भी हुई थी। उन्होंने बैन करने के लिए पार्लियामेंट तक में बात उठाई। अब देखिए, हम सबको पता तो है कि गुटका सिगरेट ये सब आदतें बहुत ही खराब होती है, बट आदत एक ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं छूटती है। इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग विल और मोटिवेटेड रहने की जरूरत पड़ती है। और इस आदत को निकालने में आप मदर के थप्पड़, कुकू एफएम यहाँ पे एक बाइट है, मदर के थप्पड़ भी नहीं होंगे, बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी आदतों में चेंज करके आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। पान मसाला से दूर रहते थे भैया, बाइट क्या होती है, मैं तो कभी खाया ही नहीं, कभी परफेक्ट सॉल्यूशन है, तो पता ही नहीं क्या होता है, मैं तो आज पता चल रहा है गुटका क्या होता है। 15 मिनट में नो पान मसाला नो, सुना हुआ है पर पता नहीं था क्या होता है, हिसाब से कहीं भी सुन सकते हो, ये पता है गंदा होता है, नहीं खाना चाहिए, इतना स्मूथ है कि आपको सुनने में मजा आएगा। पर पान को अगर ड्राई करके करते हैं तो पान तो सभी खाते हैं, उसमें क्या गंदा होता है। सुनो तेजी से, बढ़ो तेजी से, और मेरे ऑडियंस मेरा कूपन कोड एनर्जी पान खाते थे एक साल में एक बार शादी पे 50% में डाउनलोड करने के लिए पापा ही बोलते थे वो भी साल में कभी एक बार। रूल तो आ गया था इंडिया के अंदर, लेकिन इन टोबैको कंपनीज का जो मार्केट है वो 2022 का अगर मैं बताऊं आपको तो 43,410.2 करोड़ का था। और इतने पैसे वालों के लिए रूल्स होते नहीं है। इन्होंने दुनिया के बेस्ट माइंड्स को बुला के अलग अलग ट्रिक्स लगाई। पहली चीज इन्होंने ये की कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उसमें घुसना चालू किया, क्योंकि इनको पता था कि बिना गवर्नमेंट के लोगों को साथ में लिए इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इन्होंने पोलिटिकल पार्टीज को करोड़ों में पार्टी फंडिंग की। इनफैक्ट जो टोबैको कंपनीज थी उसके अंदर गवर्नमेंट के ही शेयर्स निकले, वो अभी आगे विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले। तो ये जो एक्ट आया था इसके अगेंस्ट में पहले तो ये सारी टोबैको कंपनीज जो थी ये कोर्ट में अपील कर रही थी, बात बनी नहीं, तो इन्होंने एक अलग तरीका निकाला। इन्होंने पान मसाला और प्रोसेस टोबैको का एक ट्विन पैक निकाला, मतलब कि पान मसाला अलग और टोबैको अलग, और बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जो पहले गुटका खाने वाला था वो एक पैकेट जो है वो पान मसाला का खरीदेगा, फिर प्रोसेस टोबैको का खरीदेगा, और फिर दोनों को मिला के वही प्रोडक्ट बना लेगा जो ऑलरेडी बैंड है। फॉर एग्जाम्पल जो मारुति गुटका पहले मिलता था अब वो मारुति पान मसाला और उसके साथ साथ मारुति टोबैको या जर्दा नाम से दो पैकेट में मिलने लगा। पहले एक पैकेट में मिलता था अब उसके दो पैकेट आने लगे और लोग जो थे वो दोनों को मिला के खाने लगे। और ऐसे करके हर कंपनी ने अपने ब्रांड को स्प्लिट किया। जैसे आपको शिखर गुटका मिलेगा, शिखर पान मसाला मिलेगा, शिखर फिल्टर खैनी भी मिलेगी, शिखर नॉर्मल टोबैको भी मिलेगा। इस तरीके से जो ब्रांड था उसने अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट कर दिया। तो जो प्रोडक्ट बैंड हो चुका था, यानी कि गुटका जो बैंड हो रखा था उसको टोबैको नहीं बैन किया क्या, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का तरीका इनको और निकालना था, क्योंकि जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा प्रोडक्ट भी देखा देखी में सेम नाम से सोडा वगैरह निकालना स्टार्ट किया और एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ नहीं तो म्यूजिक सीडी निकालना भी शुरू कर दिया। आपने वो एड देखा होगा, बहुत ही फेमस एड है, मैन विल बी मैन, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी। किसी ने आज तक खरीदी है वो सीडी क्या, या किसी ने उस सीडी के गाने सुने हैं क्या? तो एक्चुअल वो सीडीज वगैरह कहीं दिखी नहीं रही थी, कोई खरीद नहीं पा रहा था, बस वो ऐड हो रहे थे उसके, ताकि जो मेन प्रोडक्ट है उसको लाइमलाइट में लाया जा सके। आज भी आप देखोगे फ्लिपकार्ट अमेजोन सब पे सोल्ड आउट लगा हुआ है, इमेज लगी हुई है, आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में इनको अनसेट कम्युनिकेशन में अपना एल्कोहल का जो एड है वो करना है। ये मैन विल बी मैन वाला जो एड है ये सबको रटा हुआ है, लेकिन किस प्रोडक्ट के लिए था इसको लेके हर किसी को कंफ्यूजन है। वो प्रोडक्ट कभी कोई खरीद ही नहीं पाता है। ऐसे ही 502 पटाखा जो एक बहुत ही पॉपुलर बीड़ी ब्रांड है उसने अपने आप को 502 पटाखा चाय से एंडोर्स करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जगत जीत इंडस्ट्री जो थी उसने एरिस्टोक्रेट विस्की जो बनाते थे ये लोग
उसकी जगह पे एरिस्टोक्रेट एप्पल जूस के नाम से ऐड करना चालू कर दिया। तो एरिस्टोक्रेट विस्की तो सबको याद है, लेकिन वो जो जूस है एरिस्टोक्रेट वो आज तक किसी ने नहीं पिया। तो ऐसे करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने मतलब नहीं। और वो भी ऐसे प्रोडक्ट ऐड किए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था या मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। और ये सारी चीज इसलिए की गई जो उनका मेन टोबैको है जो एल्कोहल है वो प्रमोट हो सके। और जब एल्कोहल शॉप पे जब कोई जाए तो उसके मुंह से इंपीरियल ब्लू या फिर एरिस्टोक्रेट ये सारे नाम निकले। ऐसे ही रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक जिसका एड विराट कोहली करते हैं ये भी आपको खरीदने को नहीं मिलेगी। रॉयल चैलेंजर नाम से पूरी टीम आईपीएल की बना दी गई। इसको लेके भी कोर्ट के अंदर कई लोग चले गए थे कि एक दारू के नाम से टीम बना रहे हो, इससे बहुत ज्यादा प्रमोशन होगा दारू का। लेकिन कोर्ट के अंदर ये लोग केस हार गए क्योंकि जो टीम का नाम था उसमें एक एक्स्ट्रा एस ऐड कर दिया गया था। रॉयल चैलेंजर की जगह रॉयल चैलेंजर्स कर दिया गया था। देखिए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कम टाइम में जल्दी अटेंशन दिलवानी हो तो उसके लिए कंपनीज सेलिब्रिटीज को पकड़ती हैं। तो टोबैको कंपनीज ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मुंह मांगे पैसे दिए। अब देखिए जनरली तो हीरो उसको कहते हैं जो लोगों की जान बचाता है, लेकिन हमारे जो हीरो थे वो बहुत ही आसानी से लोगों की जान दांव पे लगाने को कुछ भी करेंगे पैसों के लिए। 2021 में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह ने कमला पसंद इलायची के एंडोर्समेंट के लिए हां कर दिया। 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार तीन बड़े सेलिब्रिटीज ने एक साथ विमल पान मसाला के एड के लिए हाँ कर दिया। और पूरे एड में इलायची बोला ही नहीं, बस साइड में छोटा सा लिखा था इलायची। ये आप देखोगे म्यूजिक सिटी के अंदर स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों बोला जा रहा है? स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कोई बच्चा इलायची के चक्कर में टोबैको भी तो मांग सकता है, गलती से खा भी तो सकता है टोबैको। अगर आप पान वाले के पास जाओगे तो लाइन से लड़ियां लगी होती है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक एडल्ट को 10 बार पूछना पड़ता है कि भैया कहीं तंबाकू तो नहीं मिला इसमें। जब एक एडल्ट को इतनी दिक्कत आ रही है तो एक बच्चा नहीं कंफ्यूज हो सकता है ये सब एड्स देख के। प्रियंका चोपड़ा को यूएन में चाइल्ड राइट्स एंड एडोलसेंस हेल्थ का एम्बेसडर बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रजनीगंधा का एड किया। रजनीगंधा इंडिया के दो सबसे बड़े फेमस जर्दा ब्रांड है, तुलसी और बाबा, वो बनाती है। टीचर से एक बहुत बड़ी विस्की ब्रांड है वो भी बनाती है। और प्रियंका चोपड़ा ने दोनों का ऐड किया। आलिया भट्ट ने ब्लेंडर स्प्राइट का ऐड किया। ये लोग डिफेंड तो करते हैं अपने आप को कि ये लोग गुटखा या फिर अल्कोहल का ऐड नहीं कर रहे हैं, ये लोग इलायची या फिर सोडे का ऐड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे कोई मान ले कि इनको पता ही नहीं है कि ये किस चीज का ऐड कर रहे हैं। ऐसे पान बार के ऐड में टाइगर श्रॉफ, महेश बाबू, राशि इलायची के लिए सलमान खान, सिग्नेचर इलायची में ऋतिक रोशन, चैनी खैनी में मलाइका अरोड़ा, संजय दत्त, अनुष्का शर्मा, मनोज वाजपेयी, आप जो नाम लो सारे नाम मिल जाएंगे। कार्तिक आर्यन ने 15 करोड़ की डील को मना कर दिया था, वो कह रहे थे कि वो ऐसे ऐड नहीं करेंगे। लेकिन पहले जब उनके हालात टाइट थे तो उन्होंने और जैकलिन फर्नांडिस ने मैजिक मोमेंट का ऐड किया था। और उस ऐड में तो बोतल तक दिखाई गई थी, मतलब अल्कोहल की बोतल दिखाई गई थी, लेकिन ब्लर कर दिया गया था। पूरे देश की जनता ने इनको स्टार बनाया, लेकिन इन रिटर्न ये इंडिया के बच्चों के लिए कैंसर फैलाने का इंतजाम कर रहे हैं। आपका कोई छोटा भाई है या घर में कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसको अगर किसी शराब पीने वाले या फिर सिगरेट पीने वाले या जुआ खेलने वाले दोस्त के साथ देखते हो तो आप उसको डांट देते हो कि इसके साथ मत घूम, क्योंकि आपको पता है कि जब तक उसको पता नहीं चलेगा तो उसको आदत कैसे पड़ेगी, इन सब चक्रों में पड़ेगा कैसे, तभी आप उसे दूर रहने के लिए कहते हो। लेकिन ये सब करने के बाद आप तुरंत टीवी खोल के इन हीरोज के ऐड दिखाते हो तो ताकि बच्चे को समझ में आए कि मुंह में रखना डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। और ऐसा नहीं कि ये लोग खाली गुटखे का ऐड कर रहे हैं या फिर शराब का ऐड कर रहे हैं, ये लोग जुआ भी खिला रहे हैं आपको। कई सारे ब्रांड जो जुआ खिलाते हैं जैसे तीन पत्ती वगैरह, उसके ऐड करते हुए भी दिख जाएंगे ये लोग आपको। और ये तो तब है जब इनके पास काफी सारा पैसा है। अब सोच के देखिए अगर ये गरीब होते तो उस केस में लोग किस किस चीज के लिए डुबा देंगे। आपने अगर कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा तो उसमें 36 सेलिब्रिटी इंक्लूडिंग सोनू सूद एग्री हो गए थे पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट करने के लिए। अभी भी वो सारी क्लिप्स यूट्यूब पे पढ़िए, आप देखिएगा जरूर। एक इमरान हाशमी थे जिन्होंने 2013 में 4 करोड़ के लिए एक अल्कोहल ब्रांड के लिए मना कर दिया था। लेकिन आज की डेट में अगर आप सच में किसी को रियल हीरो कह सकते हो तो वो है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपनी 32 साल की पब्लिक लाइफ और 24 साल के क्रिकेट करियर में एक भी सरोगेट ऐड नहीं किया। सारी गुटखा कंपनी ने मुंह मांगा पैसा ऑफर किया, लेकिन सचिन ने कभी ऐसा नहीं किया। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उस टाइम पे बीसीसीआई इतना अमीर नहीं था और क्रिकेटर्स के पास भी पैसा नहीं होता था। तो विल्स एक सिगरेट कंपनी है, उसने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि सचिन ने उस वर्ल्ड कप में बिना स्पॉन्सर किए हुए बैट से खेला। बैट पे आप आज भी देखोगे वीडियो तो उस बैट पे कोई भी स्टिकर नहीं, जबकि बाकी जितने खिलाड़ी थे वो सब रेडी थे ऐड करने के लिए। यूबी ग्रुप ने उस टाइम पे 20 करोड़ का ऑफर दिया था, एक सेकंड में मना कर दिया था सचिन तेंदुलकर। आईपीएल में भी जब प्लेयर्स एनुअल कमर्शियल्स के पैसे में से हिस्सा ले रहे थे तो सचिन ने ऐसे पैसे में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया जो पैसा सरोगेट ऐड करने से आया। मूवीज में भी जो आप सिगरेट्स देखते हो उसके अंदर भी ये जो सिगरेट कंपनीज हैं मूवी के अंदर एक प्लान तरीके से एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करती हैं। और ऐसा क्यों करती है वो मैं बताता हूं आपको। फरवरी 2003 में WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया कि 76% इंडियन मूवीज ऐसी थी जिन्होंने 1991 से 2002 तक टोबैको के एड्स दिखाए। और 2005 की बात करें तो 89% मूवीज ऐसी थी जिन्होंने टोबैको, सिगरेट इस तरीके से मूवी में प्रमोट किया। सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंस रिसर्च ने 17 लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 17 स्मोकर्स और 17 नॉन स्मोकर्स को फंक्शनल MRI लगा के
fMRI लगा के मूवीज दिखाई, तो जो 17 स्मोकर्स थे, स्मोकिंग सीन आने पे मूवी के अंदर उनके ब्रेन के पैराइटल लोब में हैवी ब्रेन एक्टिविटी होने लगी। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 89% से ज्यादा मूवीज में टोबैको के सीन होते हैं। इसकी वजह से ना जाने कितने लोग जो टोबैको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर से पीने लग जाते हैं या फिर उनको बहुत दिक्कत होगी। इंडिया के अंदर हर साल 600 से 700 करोड़ रुपए सरोगेट एडवर्टीजमेंट पर लगाए जाते हैं, लेकिन जो सरोगेट एड करते हैं इंपीरियल ब्लू सीडी, एनर्जी ड्रिंक, इलायची वगैरह, इनसे ये इतने पैसे जनरेट नहीं कर सकते कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेके सरोगेट ऐड करा सके। प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के अपने टोबैको बेचते हैं और फिर उस कमाए हुए पैसे से इन्हीं सरोगेट प्रोडक्ट्स में खर्च करते हैं। एक पान मसाला ब्रांड है पान पराग, ये लोग साल भर में जितने ही सेल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे का एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। सिर्फ 2 TV चैनल्स पर एड करने की कॉस्ट जितनी आती है वो इनकी पूरे साल भर की सेल होती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रमोट कुछ और किया जा रहा है और प्रमोशन हो किसी और चीज का रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। चार्ट देखिए, इस चार्ट में एनुअली कितनी सेल होती है पान पराग की और वो एडवर्टाइजमेंट से कितना कमाता है, दोनों डिटेल्स हैं। ये देखिए 6.37 करोड़ की टोटल एनुअल सेल हुई है और इस 6 करोड़ की सेल के लिए टोटल 24.46 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो बचा हुआ पैसा है किसी और की कमाई से पूरा किया जा रहा है। देखिए जो टोबैको का मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। 2023 में ही टोबैको प्रोडक्ट मार्केट के रेवेन्यू का लगभग $12,730 मिलियन का था। 2020 में सरकार ने सिर्फ सिगरेट की सेल से इंडियन रुपीस का टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया। जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी को मिला के सारे टोबैको प्रोडक्ट से एक साल में 53,750 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये जो टोबैको वगैरह ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इससे इतना फायदा होता है, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए कभी बंद नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये घाटे का सौदा है और अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखिए टोबैको वगैरह की सेल से जो पैसा इकोनॉमी में एड होता है उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को लगाना होता है टोबैको से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट जो एडवर्टाइजमेंट करने होते हैं उसमें। 2017 के डेटा से आपको बताता हूं गवर्नमेंट का टोबैको से रिलेटेड बीमारी जो होती यूएस में उसके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में चला गया। हमारी जीडीपी का 1.4 हिस्सा इसमें चला जाता है और इस टोटल टोबैको से जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो करीब 53,000 करोड़ का होता है। मतलब कि हर 100 रुपए जो टोबैको टैक्स से आता है उसके लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी का 816 रुपीज खर्च होता है। तो पहले कई 100 करोड़ लगा के सरोगेट एड्स होते हैं, फिर इस चीज को लोग खाते हैं उससे टैक्स रेवेन्यू आता है और फिर जब लोग इसकी वजह से बीमार पड़ते हैं तो उसको सही करने में इसका 3 गुना पैसा लगता है। माय गॉड शॉकिंग। और सबसे ज्यादा तो गुस्सा सचिन तेंदुलकर की बात सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी और सब चोर हैं, चोर घटिया लोग, घटिया पैसे के लिए कुछ भी करेंगे कुछ भी, इससे पता चलता है उनके करेक्टर। अपने आप को हेल्दी रखेंगे, देखा नहीं हेल्दी नहीं खुद भी क्यों बोल। अगर आप देखो अजय देवगन उसके दांत देखें कभी, क्या पता मुझे तो कई बार लगता है कि वो भी शायद ये कौन है शाहरुख खान चेन स्मोकर है, नॉन स्टॉप स्मोकिंग करता है बंदा। इतना पैसा उन लोगों को तो अपनी केयर कर लेंगे और क्या होगा, क्योंकि आदत है लत लगी हुई है। अरे तुमको लगी हुई है, एटलीस्ट जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे फैन है जो मूवियां देखते हैं, लड़के देखते हैं, यंगस्टर्स देखते हैं, कुछ तो करो यार, एटलीस्ट ऐड है तो मत करो। इतने अमीर होने के बाद भी इतना मतलब पैसे का लालच। किसी के भी रिश्ते में कोई बहुत ज्यादा पीता है शराब या बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है तो ओल्ड एज में उसे देख लेना, बहुत बुरे हाल होते हैं। तुम्हें अपना समझ आ जाएगा कहानी के, मतलब जो डेथ होती है इसकी वजह से इतनी पेनफुल होती है कि अगर आप देखोगे आपकी रूह कांप जाएगी, वो देख के आपको लगेगा कि भैया मैं तो कभी टच ना करूं ऐसी सिचुएशन। इतनी एड्स तो दिखती हैं, कितनी वो बताते हैं जब मत करो और कैसी शक्ल मूवी से पहले दिखाते नहीं है कि कैसे वो आवाज नहीं आ रही वो सब, उसको तो देखे मैं ही घबरा जाती हूँ। देखिए पॉइंट ये नहीं है कि अब जल्दी मरेंगे, पॉइंट ये है कि दर्द से मरेंगे, बहुत पेनफुल, बहुत आप सोच नहीं सकते हो। जल्दी तो मरेंगे मरेंगे मगर दर्द से मरेंगे, दर्द से प्रॉब्लम बिल्कुल। और एक बार आदत लग गई नहीं छूटेगी, जितनी पेन है जितनी भी है तुमने खुद ही क्रिएट की है। सोचो कोई इंसान खुद को अपने मार रहा है फिर ब्लेम करेगा एडिक्शन पे, अरे एडिक्शन छोड़ा बंद करो। और एक बारी लत लगी मैं बता रही हूँ नहीं छूटती, चाहे कुछ हो जाए, कोशिश बहुत मुश्किल है। कोई कर पाए तो कर पाए, पर मेजोरिटी ऑफ पीपल जो होते हैं वो नहीं कर पाते, इसलिए बेटर है ट्राई मत करो। पर घटिया लोग देख लो जिनको हमने बड़ा सुपर स्टार बना के बनाया है, इतना पैसा होने के बाद भी लालची लोग पैसों के लिए करते हैं। अमिताभ बच्चन तक सोचो, अमिताभ बच्चन जिसने लाइफ में इतना कमा लिया है, इतनी फेम है, अब अपनी एज के हिसाब से एटलीस्ट अपना करेक्टर जो है अच्छा करें, नहीं, दिस इज शॉकिंग। चलो बहुत अनफॉर्चुनेट है, यंगस्टर्स अपनी का अपने जो है लोग बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि स्टाइल देखा ना कैसे गॉगल्स गूगल स्टाइल से आके बंद करते हैं
कुछ लड़कों को क्या पता जो वो हैं जो देखते हैं वो कहते होंगे इससे पहन के मैं करके मैं भी बड़ा स्टाइलिश लगूंगा, मेरी भी बड़ी अक्कड़ हो जाएगी, वो हो जाएगी। ये नहीं पता कि भैया पैसे तो खर्च कर ही रहे हो, उसके बाद जो बॉडीज़ में प्रॉब्लम होगी तुम्हारी हर एक की वो तुमको पता चलेगा फिर। पर एनी वे दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो जो इन्होंने बनाया अवेयरनेस के लिए। तो चलो फ्रेंड्स शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।